आज हमारे पास रिपेयर होने के लिए आर्मी ट्रक आया हुआ है, तो आज हम इसे रिपेयर करने वाले हैं। देखने वाले हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो यदि सेम प्रॉब्लम आपको भी है तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप उसे ठीक कर सकते हैं। तो हम इसमें 3 सेल डालेंगे डबल ए साइज़ के और इसे चेक करके देखेंगे सबसे पहले तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो आपको इसमें बिल्कुल न्यू सेल डालने होंगे। मेरे पास ड्यूरो सेल है, मैं उनका यूज़ कर रहा हूँ, तो बिल्कुल नए सेलों का यूज़ करें, पुराने सेलों का आप यूज़ नहीं करें। तो चलिए मैं इसमें 3 सेल डालूँगा। इसमें हमारे 3 सेल लगते हैं, तो 3 सेल हमारे डबल ए साइज़ के लगते हैं, जिनके जो साइज़ होता है वो डबल ए होता है। तो अब मैंने 3 सेल लगा दिया, मैं इसे ऑन करूँगा। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है इसमें लाइट जल रही है, साउंड आ रहा है, लेकिन इसके जो व्हील है वो वर्क नहीं कर रहे हैं। तो व्हील वर्क नहीं कर रहे हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसे हम चेक करेंगे किस वजह से ये काम नहीं कर रहा है। इसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो कोई तार टूट गया या फिर हमारी मोटर ख़राब है। तो चलिए अब हम इसे ओपन करेंगे और इसे चेक करते हैं। तो यदि आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियोस और भी मिलती रहें, और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि कोई भी नई वीडियो आपको मिले तो आपको उसकी अपडेट मिलती रहे। तो अब हमने इसे देखिए ओपन कर दिया। तो पहले मैं आपको इसका ऊपर का मैकेनिज्म दिखा देता हूँ। देखिए, जब हम इस नीचे वाले पार्ट को प्रेस करते हैं तो हमारी तोप ये ऊपर की तरफ आती है, और इसे प्रेस करने का काम हमारा ये टायर करता है। तो कुछ इस तरीके से हमारी तोप ये बाहर आती है। इसका ये छोटा सा मैकेनिज्म था। और अब हम देख सकते हैं इसके मोटर के वायर तो प्रॉपर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसकी मोटर को इसी कंडीशन में ऑन करके देखेंगे। देखिए, लाइट हमारी ग्लो हो रही है लेकिन मोटर हमारी वर्क नहीं कर रही है। तो अब सबसे पहले हम वोल्टेज भी चेक कर लेंगे मल्टीमीटर से इन मोटर के पॉइंट पे, क्या पता है यहाँ पर वोल्टेज भी आ रही है या नहीं आ रही है। तो वोल्टेज चेक करेंगे हम। तो मल्टीमीटर को मैं DC वोल्ट की रेंज पर रख लूँगा और हम इसके वोल्टेज को चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम गाड़ी को ऑन कर देंगे। अब हम इसके देखिए वोल्टेज चेक कर रहा हूँ मैं। तो वोल्टेज आपको जैसा कि दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें पूरे 4 वोल्ट मिल रहे हैं। तो 4 वोल्ट मिल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमें वोल्ट भी प्रॉपर ओके है हमारा, और हमारी गाड़ी में साउंड है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी मोटर वर्क नहीं कर रही है। तो हम मोटर को देखिए चेंज करेंगे यहाँ से। तो यदि आपको ये मोटर परचेज़ करनी है तो ऑनलाइन आपको टॉय मोटर के नाम से ये मोटर मिलेगी। तो ऑनलाइन आप इसे मंगवा सकते हैं, और ऑफलाइन मार्केट में परचेज़ करोगे तो भी आपको टॉय मोटर के नाम से ही ये मिलेगी। ये आपको 10 रुपये की मिल जाएगी यदि आप ऑफलाइन मार्केट से परचेज़ करते हो, और ऑनलाइन ये इसकी रेट अलग अलग हो सकती है। तो अभी मैं बॉक्स में से एक मोटर ले लूँगा और इसे मोटर को मैं आपको एक बार एक बैटरी की सहायता से चेक करके दिखा देता हूँ कि ये हमारी मोटर वर्क कर रही है नहीं कर रही है, और पहले वाली दोनों मोटरों को हम बैटरी से चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम जो ख़राब मोटर है मैं उसे दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए, मैंने इसके प्लस और माइनस को कनेक्ट कर दिया, तो ये हमारी मोटर किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। तो अब मैं देखिए दूसरी मोटर को कनेक्ट करता हूँ। तो देखिए, ये वाली मोटर हमारी वर्क कर रही है, आपको साउंड से पता लगी गया होगा। तो अब हम इसके इस गियर को बाहर निकाल लेंगे और इसे हम हमारी जो न्यू मोटर हम लगाने वाले हैं उसके अंदर फिक्स कर देंगे। हम इस मोटर को भी मैं आपको खोल के दिखाऊंगा कि इसमें कहां से प्रॉब्लम आई है। हम इस मोटर को भी रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन हम इसे रिपेयर नहीं करेंगे क्योंकि हम डायरेक्ट मोटर चेंज कर लेंगे ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो अब मैंने मोटर चेंज कर ली है, अब मैं इस मोटर को कनेक्ट कर दूंगा, और जो वायर मैंने जहां से भी निकाला था उसे मैं वापस से उसी जगह पर कनेक्ट कर दूंगा। तो हमारा जो ये एक वायर था जिसमें लाल, दो लाल और एक हरा वायर, एक 3 वायर टोटल जुड़े हुए थे, इसे मैं मोटर के साथ कनेक्ट कर दूंगा। और जो इसका वाइट वाला वायर है इसे भी अब हम कनेक्ट कर देंगे। तो हमने ये लाल और ये वाले वायर कनेक्ट कर दिए, अब हम वाइट वाले वायर को कनेक्ट कर रहे हैं। तो अब हमने मोटर को कनेक्ट कर दिया, अब हम इसे ऑन करके देखेंगे। तो देखिए, आपने जैसा कि देख पा रहे हैं इसके चारों टायर वर्क करने लग गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे वापस से उसी कंडीशन में पैक करेंगे। उससे पहले मैं आपको मोटर दिखाता हूँ कि मोटर में हमारी कहाँ पर प्रॉब्लम होगी। तो देखिए, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है इसमें भी बुश टूट चुके हैं हमारे। तो पहले जो हमारी मौका कार थी उसमें भी हमारे बुश इसी तरीके से टूटे थे जहाँ पर हमने मोटर को चेंज किया था। तो और भी टॉयज़ में मैंने किसी तरीके से आपको दिखाया कि ये हमारे ख़राब हो जाते हैं, तो सेम इसी तरीके से इसमें भी ये ख़राब हो गए थे। तो हमने न्यू मोटर डाल दी है इसके अंदर, तो अब हमने इसको ठीक कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे कि इस मोटर को तो हटा देंगे, इसको मैंने आपको प्रॉब्लम दिखाई दी, अब हम इसे वापस से पैक कर देंगे। चलिए, तो मैं इसे पैक करता हूँ। तो यदि आपका टॉयज़ रिपेयरिंग से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि हमारे पास उसका कोई आसान सॉल्यूशन होगा तो हम आपको उसके सॉल्यूशन को बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए, अब हम इसे चेक करते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं, इसकी स्पीड दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए, इतनी खतरनाक स्पीड है, ठीक है।
तरीके से वर्क कर रहा है। तो चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।